सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर पूरा पैकिंग चल रहा है, और इधर देख सकते हो बर्तन वगैरह भी है और कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हो अभी हम लोग जाने वाले हैं संडे आउटिंग पे, और ये कुछ गैस चूल्हा वगैरह है, तो पैकिंग करेंगे और चलेंगे ना। सो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के नज़दीक में, और कुछ इस प्रकार से राहुल भाई सामान रखे हैं पूरा फुल पैकेज, और साथ में अंकित उधर जा रहा है देख सकते हो, और अपने पास पानी पाउच है, और साथ में हम लोग गाड़ी इधर पार्क किए हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से गाड़ी जो है नीचे नहीं जाएगी दोस्तों, यहाँ से अपने को ट्रैक करना पड़ेगा। देख सकते हो हाथ में अपना वाटर पैकेज है। तो चलिए चलते हैं और कुछ इस प्रकार से। अंकित कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे आगे, और कुछ इस प्रकार से। यहाँ जंगल वाला रास्ता है, यहाँ बहुत ही हाथी आते हैं, हाथियों का यहाँ पर झुंड रहता है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, चलिए चलते हैं आगे की ओर। और कुछ इस प्रकार से जंगल वाला रास्ता है दोस्तों, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के नज़दीक में, और यहाँ पर से वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। ये देखो नीचे। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। ये तो स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल है, तो देख सकते हो नीचे स्विमिंग पूल है कुछ इस प्रकार से। अंकित आगे आगे चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर से ये वाटरफॉल का व्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर भाई लोग भी आए हुए हैं नहाने के लिए, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल व्यू है। पानी अभी थोड़ा कम है। सो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ अपना इस प्रकार से अपना सामान रखे हैं। यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे दोस्तों, और खाना पीना बनाकर यहाँ पर खाएंगे, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल व्यू देख सकते हैं। ये कुछ पहाड़ इस तरीके से है, और इस तरीके से पानी आ रहा है। भाई लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, अंकित यहाँ पर बैठ कर फ़ोटो खींचाऊंगा बोल रहा है। तो चलिए इसका फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर आगे और भी बताते हैं आपको यहाँ का क्या क्या अपना प्लानिंग है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मस्त स्विमिंग पूल जैसा है, और भाई लोग यहाँ पर नहा रहे हैं देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और आगे भी है कोई बड़ा सा वाटरफॉल बनता है, उधर भी जाकर दिखाएंगे आपको। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरिया भी है देख सकते हो। भाई लोग दौड़ दौड़ के उल्टी जंप मारते हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर भाई लोग इंजॉय करते हैं कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो भाई ने अभी जस्ट जंप मारा है पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से। देख सकते हो भाई लोग भी और आ रहे हैं पिकनिक करने के लिए, वो लोग लकड़ी वगैरह सब लेकर आ रहे हैं, लकड़ी लेकर आ रहे हैं, और मस्त है। वो लोग भी खाना वाना बना कर खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल व्यू देख सकते हो। आगे भी एक वाटरफॉल है दोस्तों बड़ा सा, और अपने भाई लोग उधर हैं देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का देख सकते हो पहाड़ है, इसके ऊपर हम लोग गाड़ी जो है पार्किंग किए हैं, और कुछ इस प्रकार से भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही जंगल के अंदर है दोस्तों, और देख सकते हो भाई अभी जम मारेगा कुछ इस प्रकार से। चलो ना जी, चल चल। तो देख सकते हो भाई लोग इसी में एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं कूद कूद कर। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर हम लोग चूल्हा जला लिए हैं कुछ इस प्रकार से, और अंकित भाई हमारा यहाँ पर बाजा खेल रहा है, और कुछ इस प्रकार से इधर देख सकते हो राहुल क्या कर रहा है। अभी राहुल अभी थाली धो रहा है, और ठाकुर अभी मशरूम काट रहा है, और कुछ इस प्रकार से वाटरफॉल के किनारे बैठे हुए हैं, और कुछ इस प्रकार से इधर अपना भोजन का व्यवस्था है पत्थर के नीचे। अभी जो है दोस्तों बारिश हो रहा था, तो हम लोग पत्थर के नीचे अपना जुगाड़ जमाए हैं, और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा वाटरफॉल में इंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के आगे निकलेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, इंजॉय करिए। तो फ्रेंड हम लोग का चावल जो है बन चुका है, अभी बन रहा है सब्जी, और अभी सलाद का धनिया मिर्चा धोने गए हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना व्यवस्था जमा हुआ है।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, मस्त नहा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, बहुत ही ज़्यादा। ये जो नेचुरल स्विमिंग पूल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही लोग नहा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और सामने अपने भाई लोग इंजॉय कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ से हम छलांग लगाने वाले हैं। चल अंदर डुबते हैं, चलो रुक वीडियो देखते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो वाटरफॉल का नेचर भी कुछ इस प्रकार से है, एरिया भी कुछ इस प्रकार से है। कैमरामैन जरा इधर घुमाएंगे, और कैमरामैन फोकस करो, फोकस कर रहे हैं, जल्दी फोकस करो, कर रहे हैं फोकस। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ का नेचर भी है। अभी हम लोग नीचे से जाने वाले हैं और यहाँ से जाएंगे और नीचे जाकर आपको एक बड़ा सा वाटरफॉल दिखाएंगे जो कि लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। इसलिए चलते हैं, दूसरा उसके होकर नीचे चलेंगे, फिर आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। तो बन रही है, एंजॉय करिए। तो हमारे अंकित भाई कुछ बोलना चाहते हैं। पानी इधर से आता है, वाटरफॉल इधर का है। तो दोस्तों नीचे जाने के बाद नीचे में एक और गड्ढा है जिसमें वाटरफॉल बनता है, जिसको हम आपको ऊपर से दिखाएंगे। कट। तो गाइस देख सकते हो कितना घटिया रास्ता है, यहाँ एक्सीडेंट होते होते बार बार बचे हैं। और इधर स्टेट ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हुए चलो ना। दोस्तों देख सकते हो हम लोग जैसे वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए हैं, यहाँ पर से वाटरफॉल दिखता है। तो बने रहिए, आइए। यहाँ आइएगा तो गाइस देख टाक के चलेगा, वरना एक्सीडेंट हो जाइएगा। देख सकते हो जो बड़ा वाला वाटरफॉल बनता है वो कुछ यहाँ पर बनता है दोस्तों। अभी पानी का फ्लो जो है अभी थोड़ा कम है, उसकी वजह से पानी कम है। लोग वहाँ से छलांग मारते हैं वहाँ, और यहाँ का एक रील्स जो बनाया था मैंने वो वायरल हुआ है दोस्तों। लगभग अभी 50K पहुँच चुका है व्यू, तो देख सकते हो वीडियो में मैं उसको मेंशन करता हूँ। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल भी है, लगभग ये जो है 100 फीट का गहरा होगा दोस्तों। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अभी पानी का फ्लो बहुत कम है, जैसे ही पानी ज़्यादा होगा, बरसात आएगी ज़्यादा बढ़ेगी, तो जो यहाँ का जो पानी का फ्लो होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो है भीड़ कम है, साथ ही जैसे जैसे बारिश होती है भीड़ बढ़ जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं नहाने के लिए और वहाँ से नीचे छलांग लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल जो है देख सकते हो। तो कैमरामैन चारों तरफ का एरिया दिखाइए आप हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल भी है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर वाटरफॉल बनता है, नीचे लोग छलांग लगाते हैं, और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ का एरियल भी है। पूरा का पूरा जंगल है दोस्तों, और ये जो है पहाड़ों के बीच में है। साथ में हमारे अंकित भाई काफी एंजॉय कर रहे हैं, एकदम फटे हाल, एकदम सन ग्लास लगा के। तो अंकित जी क्या कहना चाहेंगे हमारे इस ब्लॉग के बारे में, जरा सा कैमरा के सामने आकर बताइए क्या कहना चाहेंगे। तो ऐसे कैमरे से मुंह छुपाते हैं हमारे अंकित भाई, थोड़े शर्मीले हैं, शर्मीले मिजाज के हैं। और कुछ इस प्रकार से जंगल है दोस्तों, देख सकते हो दोनों तरफ पहाड़ी है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ का वाटरफॉल है हमारा। कमजोर लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए, और कमजोर लोग को नहीं आना चाहिए, हार्ट अटैक वालों को नहीं आना चाहिए। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो वाटरफॉल बन रहा है, ऊपर से पानी आता है और नीचे जाके वाटरफॉल बनता है दोस्तों। फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमारा खाना बन चुका है, और कुछ इस प्रकार से अंकित ऊपर से नीचे से ऊपर ला रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग बैठ के खाएंगे कुछ इस प्रकार से। भाई लोग उधर जितने नहा रहे थे सब चले गए हैं, और लगभग खाली हो चुका है, हम लोग भी नहा के इंजॉय कर लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, इस प्रकार से खाएंगे यहाँ पर बैठ के, फिर चलेंगे अपन।
उधर फाइनली दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना खाना पीना ऊपर चढ़ा लिए हैं। नीचे से तो जो कि कुछ हम लोग उस प्रकार से नीचे में हम लोग खाना बनाए थे, अभी ऊपर पत्थर पर चढ़ा लिए हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो खाना हम लोग यहाँ पर बना के खाएंगे और कुछ इस प्रकार से उधर गाना वाना चल रहा है जो कि मेरे वीडियो में कॉपीराइट आने वाला हो सकता है। फाइनली दोस्तों देख सकते हो अंकित कुछ अचार वगैरह लाए हैं खाने के लिए, तो उसका ओपन कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो पत्तल वत्तल बिछा लिए हैं अपन, यहाँ पर खाएंगे और उसके बाद आगे चलेंगे रायगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये अपना मशरूम और आलू का सब्जी है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का खाना निकल चुका है और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अपना खाना पीना निकल चुका है और कुछ इस प्रकार से चावल है और मशरूम आलू की सब्जी है, रायता है, साथ में सलाद में गाजर खीरा प्याज और मिर्ची और साथ में धनिया और कुछ इस प्रकार से अंकित सर्व कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। और खाने के बाद हम लोग कढ़ाई को उधर फेंक चुके हैं, देख सकते हो एक तो कढ़ाई दिख रहा होगा आपको, कढ़ाई वहाँ डाल दी है। चावल निकालने के बाद कढ़ाई भी, इसको भी हम लोग पानी में डालेंगे धोने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं तो टेक्निकल गुरुजी की तरह चलिए शुरू करते हैं खाना और कुछ इस प्रकार से अपना भोजन वगैरह देख सकते हो। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमारा भोजन जो है ये कंप्लीट है, चावल पापड़ प्याज खीरा गाजर टमाटर रायता साथ में आलू और मशरूम की सब्जी और अंकित खा रहे हैं। तो अंकित बताइए आपको टेस्ट कैसा लग रहा है और ये वन भोज आपको कैसा लग रहा है जंगल में बैठ के खा रहे हैं? अच्छा है। और साथ में देख सकते हो ठाकुर को एकदम मड़िया के मार रहा है और राहुल बोल रहा है मेरे को नहीं दिखना है क्योंकि ये लुंगी में है और कुछ इस प्रकार से अंकित देख सकते हो। सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हम लोग का पूरा पैकअप हो चुका है, हम लोग सामान पैक कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो पैकिंग वगैरह हो चुका है, अंकित भी अपना कच्चा कपड़ा समेट रहा है और कुछ इस प्रकार से अपना सारा चीज़ हो चुका है, खाना पीना हो चुका है। तो निकलेंगे अब हम लोग रायगढ़ की तरफ। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।